प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज। नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लिए चलता हूँ गांव में, एक गांव में दिखाता हूँ आपको। ये गांव है अमरोली। तो आज हम देखेंगे गांव कैसा होता है। तो शुरुआत करते हैं, ये गांव के बाहर का सीन है, घुसने से पहले का। ये गांव का बम्बा है जो कि आजकल चल नहीं रहा है। ये गांव से बाहर जो कुछ फसलें पड़ी होती हैं, कुछ खेत होते हैं, ये वहां का सीन है। फसलें कट चुकी हैं, अब नई बुवाई के लिए खेत तैयार है। बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। जहाँ पर भी खाली जगह मिलती है, गांव के बच्चे वहाँ आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। धूल मिट्टी में भी खेलते हैं वो, कहीं पर भी खेलते रहे, हर जगह उनके लिए खेल का स्थान बन जाती है। अब देखिए, हम प्रवेश करते हैं गांव में। ये गांव में जैसे ही हम घुसते हैं बम्बे से, कुछ आपको दुकानें दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पर एक यहाँ पर पीपल का पेड़ है जो कि काफ़ी बड़ा है। आपको पता है पीपल हमें कितनी ऑक्सीजन देता है। हर वृक्ष हमें बहुत सारी ऑक्सीजन देता है, इसलिए वृक्षों का हमें धन्यवाद अदा ज़रूर करना चाहिए। और वो कैसे कर सकते हैं, हमें और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ये गांव की पेंट है, यहाँ पर पेंट लगती है मंगलवार के दिन। काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पर आपको सब्जियाँ मिलती हैं, ये सब्जियों की पेंट है। सब्जी और मसाले और कुछ छोटे मोटे कपड़े भी मिलते हैं, जो भी आम जरूरत की सामान होती हैं, जूते वगैरह, जो भी आम जरूरत की सामान होता है वो आपको मिलता है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ये कुछ दुकानें हैं जहाँ बालू मिलती हैं, ट्रैक्टर वगैरह खड़े होते हैं। यहाँ पर आपको बालू बदरपुर रोड़ी मिल जाएगी। ऐसे सीन भी आपको गांव में देखने को मिल जाएंगे अक्सर। देखिए, आजकल गांव की गलियाँ आपको पता है सीमेंटेड हो चुकी हैं। गांव आजकल काफ़ी विकसित हो चुके हैं, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो चुकी है, गलियां सीमेंटेड हो चुकी हैं। इस तरह के सीन भी आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। पशु, उनके आसपास आपको पक्षी मिलेंगे जो उनकी साफ सफाई भी करते हैं। ये देखिए, ये पशुओं से बगुला कीड़ा खा रहा है। और आगे चलते हैं गांव में थोड़ा अंदर। ये मैं आपको गलियां दिखा रहा हूँ साइड की। जो मेन सड़क है वो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था, बाकी हम बाद में दिखाएंगे उसको। और गांव के अंदर की ज़्यादातर सड़कें, गलियां जो हैं वो पक्की हो चुकी हैं, सीमेंटेड। इस तरह के नज़ारे आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। वह मकान भी आपको थोड़ा अलग ही तरह के मिलेंगे। गांव कितने विकसित हैं ये उस पर डिपेंड करता है। ये कंडे हैं, इनसे रोटियां होती हैं, सब्जी भी बनती है। शायद अब प्रयोग कम होते हैं। ये नल है, आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप पानी पी सकते हैं, अपने हाथ पैर धुल सकते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए, गांव में आपको जगह जगह डॉग यानी कुत्ते कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, बैठे हुए, शरारत करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए। बच्चे भी आपको खेलते मिल जाएंगे कहीं पर भी। मकानों के आगे आपको इस तरह के सीन मिलेंगे, कहीं बाइक खड़ी है। और पेड़ पौधे भी आपको मिलेंगे। कहीं गलियां चौड़ी होंगी तो कहीं तंग होंगी। गांव में आपको मंदिर भी मिल जाएंगे। यहाँ मंदिर पे कुछ काम चल रहा है, ये भोलेनाथ भगवान है हमारे, जय भोलेनाथ। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है।
ऐसे ही आपको बहुत सारे मंदिर गांव में मिल जाएंगे। थोड़े थोड़े आपको मकानों में जगह जगह बाग बगीचे भी आपको दिखाई देंगे। मंदिरों के आसपास भी आपको अक्सर दिखाई देंगे कुछ पेड़ पौधे। आइए मंदिर का एक चक्कर लगा लें। मंदिर के अंदर मूर्ति के दर्शन कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ और उनका परिवार, विष्णु भगवान भी हैं। ये देखिए कुत्ता खड़ा हुआ है छत के ऊपर। ये कुछ और छोटी छोटी गलियां गाँव भी। देख सकते हैं इनमें से बाइक तो निकल सकती है लेकिन कोई बड़ा वाहन नहीं निकल सकता। इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। कहीं साइकिल खड़ी होगी। और कहीं मोटरसाइकिल। कहीं सब्जी के ठेले आपको निकलते हुए नजर आएंगे। और आगे बढ़ते हैं छोटी छोटी गलियों में। गांव में भी आजकल अच्छे मकान बनते हैं, छोटे बड़े सब तरह के आपको मकान देखने को मिलेंगे गांव में। अब हम वापस उसी सड़क पे आ गए हैं जो पहले थी, लेकिन थोड़ा सा आगे आए हैं। अब गांव के बीचा बीच में समझिए हम आ गए हैं। ये मेन रोड है, ये अलीगढ़ से गांव होके अमरोली होके आपका आगे बढ़ता है, क्योंकि बरौली पहासू होके आगे चला जाता है। ये देखिए गांव का सबसे बड़ा मंदिर है। गांव में आपको कारें भी मिलेंगी। आजकल आपको गांव में सब कुछ देखने को मिल जाएगा, साइकिल से लेकर कार तक। छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी आपको, बड़ी भी दुकानें होती हैं, कुछ मेडिकल स्टोर, बार्बर की शॉप, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा गांव में। पेड़ पौधे, हरियाली, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। मिठाई की दुकानें भी आपको मिलेंगी यहाँ पर। जगह जगह आपको नल दिखाई देंगे, छोटे बड़े मंदिर आपको सब दिखाई देंगे, पेड़ पौधे, टावर, पशु, जगह जगह लोग बैठे हुए।
और भी बहुत सारी गलियां हैं गांव में, उनको अगर घुमाया जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको घुमा दिया है। बाकी भी इसी तरह की गलियां हैं थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ। ये हमारी चामड़ मैया है, आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।